देखें, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 5 प्लस x माइनस, सेम एक्सप्रेशन है, a प्लस b टू द पावर 5 और a माइनस b टू द पावर 5, सम ऑफ निकालना है कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल ऑड डिग्री टर्म्स, उसको एक्सपेंड करके देखते हैं, a प्लस बी टू द पावर 5 और a माइनस बी टू द पावर 5, ऐसा है वो एक्सप्रेशन, उसको हम s नाम से पुकार रहे हैं। यहां a हम x को कह रहे हैं और b दूसरे वाले एक्सप्रेशन 5c0 a टू द पावर 5 के बाद नेक्स्ट वाला टर्म 5c1 a टू द पावर 4 टाइम्स b प्लस डॉट डॉट डॉट, और जब दूसरे टर्म को एक्सपेंड कीजिएगा तो 5c0 a टू द पावर 5, यहां इसको इमेजिन कीजिए a प्लस माइनस b, यानी आपको इसी एक्सप्रेशन में b के जगह माइनस b लिखना है, तो अब ये टर्म माइनस 5c1 a रेस टू द पावर 4 टाइम्स b हो जाए, फिर प्लस 5c2 a क्यूब माइनस b का होल स्क्वायर है तो प्लस रहेगा, ये सारा प्लस, ये अल्टरनेट प्लस माइनस, तो दोनों को ऐड करेंगे तो जो टर्म्स बचेगा फिर 2 टाइम्स ये दोनों टर्म दो दो बार, और ये सब कैंसिल आउट हो गया, तो 5c0 या सिर्फ c0 लिख दीजिए, c0 टाइम्स a टू द पावर 5 प्लस c2 टाइम्स a टू द पावर 3 b स्क्वायर प्लस c4 टाइम्स a टू द पावर 1 इंटू b टू द पावर 4, यही तीन टर्म बचेगा c0 c2 एंड c4। अब हम a और b का वैल्यूज डाल लेते हैं, 2 टाइम्स ये 5c0 है तो ये 1 होगा, x टू द पावर 5 प्लस ये 5c2 है जिसका वैल्यू 5 इंटू 4 बाई 2 10, a क्यूब और b स्क्वायर, b हम इसको माने थे इस एक्सप्रेशन को, b इसको a, तो b स्क्वायर इज x क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4 विच इज 5c1 विच इज 5, 5 टाइम्स x b टू द पावर 4 यानी x क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, रूट था तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हटेगा और फिर स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन है। इसमें ऑड पावर वाला टर्म्स खोजना है, जैसे यहां x टू द पावर 6 एक टर्म है, उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ ऑड पावर, x टू द पावर 5 है, एक माइनस 10 x क्यूब है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो x टू द पावर 6 इंटू एक्स वो ऑड आएगा, फिर माइनस 2 x क्यूब इंटू एक्स वो इवन हो जाएगा, फिर लास्ट वाला टर्म प्लस 1 टाइम्स x ऑड हो जाएगा। अब हमको उनको कलेक्ट करने में दिक्कत नहीं है, उनके सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड करना है। नाउ सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर्स इक्वल टू, अब सिर्फ कोएफिशिएंट, तो x टू द पावर 5 का कोएफिशिएंट है 2, x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट है, अब 2 बाहर ले लिए तो अंदर में 1 लिख रहे हैं, माइनस 10, यहां पर x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट है 5, और एक प्लस 1 आएगा एक्सपेंड करने पर इंटू 5x एक और 5, इतना सारा ऑड पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट, एंड दैट इज द आंसर, 10 माइनस 10 0 हो गया प्लस 1 सो इट इज 2। एक एक्सप्रेशन दिया है बाइनोमियल x प्लस y टू द पावर n, n इज सम नेचुरल नंबर
और लिखा है कि इसके कोएफिशिएंट्स का सम, इफ सम ऑफ ऑल इट्स कोएफिशिएंट्स इक्वल्स 1024, इसको एक्सपेंड करेंगे एन सी जीरो एक्स टू दी पावर एन प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन टाइम्स वाई प्लस एन सी टू एन सी एन. हमको सिर्फ अगर कोएफिशिएंट्स का सम चाहिए तो हम दोनों तरफ x और y के जगह 1 डाल दें तो ये 2 टू द पावर n बचेगा. अब उधर सिर्फ बचेगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू. तो 2 टू द पावर n का वैल्यू कह रहा है 1024 दिया है इफ सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इज गिवन. हाँ, इसको देख के n हमको समझ जाना है कि कितना है. एग्जैक्टली 10 होता है. तब पूछा है फाइंड द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, माने 10 सी 0 से लेकर 10 सी 10 में से ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन होगा. सो द आंसर इज 10 सी 10 को 2 से डिवाइड किए एक नंबर आया 10 सी. यहां एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया है 2 रेज टू द पावर 1/4 यानी फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस ये 3 रेज टू द पावर माइनस 1/4 विच मींस रेसिप्रोकल ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 3 टू द पावर n. और क्वेश्चन है t5 बटे t5 प्राइम, मतलब हम मीन कर रहे हैं इसका शुरू से पांचवा टर्म और पीछे से पांचवा टर्म का जो रेशियो है वो रूट 6:1 अनुपात में है. अगर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी क्वेश्चन में एक अननोन है n, एक इक्वेशन चाहिए और इक्वेशन दिया हुआ है, खाली आपको फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिखने आना चाहिए. तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एन सी 5 से 1 कम, ये आप जो लिखे दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द फिफ्थ टर्म. और एक बार आप बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिख दिए अब a टू द पावर n माइनस 4 होता है, अब b टू द पावर 4 होता है. यहां पे हम अभी a b रहने दे रहे हैं, बाद में हम a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करेंगे. फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बैक तो उसका भी सिर्फ बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखना है. पीछे से पांचवा टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट वही होगा लेकिन हम यहां 4 नहीं लिख करके n माइनस 4 लिखेंगे. यद्यपि कि ये कट जाएगा क्योंकि ये दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन अभी इसलिए लिखेंगे क्योंकि तब यहां पे b की द पावर n माइनस 4 होगा, पीछे वाला टर्म का कोएफिशिएंट सेम होता है, पूरा टर्म नहीं सेम होता है a टू द पावर 4. और ये दिया हुआ है रूट 6, इसको पहले कैंसिल आउट कर दिए और इनको भी काटे, यहां a टू द पावर हो जाएगा n माइनस 8 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा b टू द पावर n माइनस 8 यानी a बटे b होल टू द पावर n माइनस 8 बराबर रूट 6. अब a बटे b का एक्सप्रेशन लिखिए, a है 2 टू द पावर 1/4, अब b है 3 टू द पावर माइनस 1/4. Reciprocal of this is equal to 3 to the power 1/4. Itna to the power n minus 8 equal to root 6. Aur ab laws of exponents khali hum log ko yaad rakhna chahiye. Class 10th mein jo hum log seekhe, a square into b square likha ho. Base bolte hain, yahan jo likhte hain. और ऊपर चढ़ा के जो लिखते हैं उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, इसको बेस. तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. आप साबित भी कर सकते हैं दिस मीन्स ए इंटू ए दो बार, दिस मीन्स बी इंटू बी दो बार, ए बी को इकट्ठा कर लिए ए बी इंटू ए बी दो बार, तो ए बी का होल स्क्वायर.
तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 to the power 1/4 2 to the power n-8। फिर अलजेब्रा हम लोग पढ़े हैं कि अगर a टू द पावर b टू द पावर c हो 2³ to the power 5 मीन्स 2³ × 2³ × 2³ 5 बार। अब 2³ मीन्स 2 × 2 × 2 3 बार, तो दिस इज 2 × 2 × 2 15 बार, यानी इन दोनों को गुणा कर दिया जाए। तो a टू द पावर b होल टू द पावर c इज सेम एज a टू द पावर ऑफ bc। तो हम इन दोनों को गुना करें, n माइनस 8 को गुना कर रहे हैं 1/4 से, लिखते ऐसे बराबर 6 to the power 1/2। अगर इस तरफ का बेस और इस तरफ का बेस सेम है तो हम दोनों तरफ के एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं, यानी हम यहां से निष्कर्ष निकालेंगे n माइनस 8/4 का वैल्यू इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। और इस प्रकार हम n का वैल्यू 4 times 1/2 is 2 plus 8 is 10 ढूंढ लेंगे।